हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और आज हम बात करने वाले हैं दुबई के विजिट वीजा और वर्क वीजा के बारे में, क्योंकि इन दोनों के ऊपर बहुत ही ज्यादा अपडेट आया है। मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कमाल का है। और कुछ लोगों के माइंड में जो एक गलत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, क्वेश्चन मार्क बन गया है कि भाई क्या वर्क वीजा फ्री हो गया है। तो हाँ भाई, वर्क वीजा फ्री हो गया, दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसका कैसा क्या है और किस तरीके से आप जो है दुबई में वर्क वीजा फ्री में ले सकते हैं। तो पता होगा कि जैसे आप अगर इंडिया से बिलोंग करते हो, पाकिस्तान से या फिर बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से अगर आप बिलोंग करते हो और अगर आप एज अ लेबर या फिर काम करने के पर्पज से दुबई जाते हैं, तो वहां जाते हैं तो आपको यहाँ के जो एजेंट होते हैं ना, पता है ना, जो भेजते हैं लोग दुबई आपको काम के सिलसिले में, वो बोलते हैं कि भाई आपको इतना पैसे देना होगा। अभी हम वर्क वीजा के बारे में बात कर रहे हैं, आपको इतना पैसे देना होगा, 1,50,000, 60,000, 70,000, तो हम आपको इस कंपनी में लगा देंगे, आपका वर्क वीजा लग जाएगा। ये देखो, ये लूटते हैं जो है कंपनी वाले, मतलब एजेंट लोग। और जब हम दुबई चले भी जाते हैं तब भी हमारी नौकरी का कुछ फिक्स नहीं रहता है। तो भाई अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो अब आप डायरेक्ट अपना विजिट वीजा लेके आप दुबई जा सकते हो। अगर आपके माइंड में ये भी कंफ्यूजन था क्या विजिट वीजा पर हम जा सकते हैं दुबई या फिर नहीं, भाई विजिट वीजा पर आप दुबई जा सकते हो, 30 दिन का या फिर 90 दिन का विजिट वीजा पे। और वहां पर जाकर आप आराम से अपनी जॉब सर्च कर सकते हो, आपको जो भी जॉब करना है, क्योंकि आपके पास 1 महीने 3 महीने तक का समय रहता है जितने दिन का विजिट वीजा लिए रहते हैं। अभी जो अपडेट निकल के आया है वो ये है कि भाई अब जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, वो एम्प्लॉयर वो अपने एम्प्लॉय को जो है वर्क वीजा फ्री में देंगे। इसका मतलब यह है कि अब जो नया रूल लागू हुआ है लेबर लॉ दुबई का, यूएई का न्यू लेबर लॉ, उसके हिसाब से अब जो है आपको वर्क वीजा कंपनी प्रोवाइड करेगी। अब आपको वर्क वीजा का 1 रुपए भी नहीं देना है। बट जो भी ये प्रोसीजर होता है, जैसे कि इंटरव्यू का फेज क्लियर करना हो या फिर जो भी हो, ये सब आपको अपने तरीके से हैंडल करना होगा, क्लियर करना होगा। फिर वो क्लियर कर लेते हैं जैसे ही आप, तो आपका हो जाएगा, आपका वर्क वीजा का 1 रुपए भी कंपनी चार्ज नहीं करेगी। पहले क्या होता था कि भाई वर्क वीजा के लिए हम जाते थे वहां पर, तो कंपनी हमसे बोलती थी कि आप काम करते रहिए, आपको हम वर्क वीजा दे देते हैं और आपके अकाउंट, मतलब कि आपके मंथली सैलरी में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट कट किया जाएगा, फिर वर्क वीजा आपका अमाउंट जो है 4 महीने 5 महीने में पूरा कट हो जाएगा। बट भाई अब जो नया अपडेट आया है, इसके हिसाब से अब वर्क वीजा का पैसा नहीं लगेगा। अब जो जिस कंपनी के अंदर भी आप काम कर रहे हैं वो कंपनी अब पैसा पे करेगी वर्क वीजा का, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप अगर डायरेक्ट चाहे बिना एजेंट के भी आप दुबई जा सकते हैं। देखो, अगर आप किसी एजेंट का हेल्प नहीं लेते हैं, मतलब एजेंट का हेल्प नहीं लेंगे, आप डायरेक्ट जाकर दुबई में नौकरी के लिए सर्च कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप विजिट वीजा के लिए अप्लाई कर लीजिएगा, 30 दिन के लिए या फिर 90 दिन के लिए। 90 दिन बहुत ही ज्यादा होता है, ये अमाउंट आपको जो है ना, जो एजेंट को पैसे देंगे उससे बहुत ही कम में आप वहां 3 महीने 4 महीने रह के अपनी नौकरी खुद खोज सकते हैं। मतलब एजेंट को देने से अच्छा आप खुद विजिट वीजा लें और दुबई जाएं। वहां जाने के बाद 30 दिन का अगर आप विजिट वीजा लेते हैं या फिर 90 दिन का विजिट वीजा लेते हैं, तो उसके अंदर ही आप वहां पर जो भी कंपनियां हैं उनको ऑनलाइन अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप ऑफिस में जाकर वहां बात कर सकते हैं, नौकरी के लिए बात कर सकते हैं। उसके बाद जो वर्क वीजा का परमिट लगेगा, तो वो परमिट जो है आपको फ्री मिलेगा, जो अब न्यू लेबर लॉ वहां पर लागू हुआ है दुबई गवर्नमेंट के थ्रू, वहां के यूएई में जो लागू हुआ है। अगर आप इंडिया से हो या पाकिस्तान से या फिर किसी भी कंट्री से, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपको अभी भी नहीं पता चल रहा है भाई, कोई भी मतलब क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। देखो बहुत सारे कमेंट आते हैं, इसलिए मैं हर एक टॉपिक को चूज करता हूँ, जो बहुत ही ज्यादा कमेंट लोग करते हैं उसके ऊपर फिर वीडियो मैं बनाता हूँ। अगर कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट करके पूछ सकते हो। देखो भाई, सबके कमेंट का रिप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं है, अगर बहुत ज्यादा लोगों ने कमेंट किया तो हो सकता है मैं उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बना दूंगा, और वीडियो उसी लिए मैं बनाता हूँ भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत।